हे गाइस नमस्ते। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं अपना जो स्टूडियो है, मतलब कि सारा का सारा जो सेटअप है, कैमरा सेटअप है, लाइट सेटअप है, बैकग्राउंड सेटअप है, कहाँ पे मैं शूट करती हूँ, कैसे करता हूँ, कब करता हूँ, इसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि आपके कमेंट पे भी मुझे काफ़ी मिला है इसके बारे में जानने के लिए। आपने कहा है कि भैया बताओ आप कहाँ पर क्या कुछ करते हो, कैसे करते हो, तो आपका सेटअप कहाँ पे है, कैसे कुछ रखते हो, कैमरा कहाँ पे रखते हो, लाइट कहाँ पर रखते हो, बैकग्राउंड क्या यूज़ करते हो, अपना माइक जो है वो कैसे यूज़ करते हो। आप देख सकते हो, वैसे मैंने एक माइक यहाँ पर लगा रखा है, ये माइक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है बोया M1, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो ये माइक हम यूज़ करते हैं और लाइट फाइट उसके बारे में आपको सब कुछ दिखाएंगे, सेटअप दिखाएंगे। तो आपके कमेंट पे ही मैं ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्या कुछ, मतलब कि कैसे कुछ करना पड़ता है, और सारा का सारा कुछ डिटेल्स भी आप खुद जान लोगे, आपने आंखों से भी देख लोगे क्या कुछ करते हैं। वैसे इस वीडियो में अपना जो सेटअप है वही आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आप एडिटिंग के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना कि कैसे एडिट करते हैं हम, क्योंकि अगर इसमें भी हम एडिट दिखा देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपको पसंद शायद नहीं आएगा। पर अगर आपको देखना है कि हम एडिट कैसे करते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं मोबाइल पर या कुछ कहीं पर कैसे यूज़ करते हैं अपना जो ऐप है, तो और कौन कौन सा ऐप हम यूज़ करते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कौन कौन ऐप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट पर ज़रूर बताना, क्योंकि तब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूँ। तो चलिए देर किस बात की, आपको दिखाते हैं, शेयर कराते हैं हमारे स्टूडियो की, बहुत बड़ा स्टूडियो है, आप खुद भी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा रूम, अभी पढ़ाई चल रहा है तो घर के बाहर ही है, और यहाँ पर हम किराया देकर रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितना बड़ा एक रूम है, बोले तो एकदम ईडन गार्डन की तरह, और मैदान भी काफ़ी भरा हुआ, बोले तो एकदम खचाखच भरा हुआ, मतलब कि काफ़ी सारा चीज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो गाइज बेसिकली ये एक किचन है, तो मुझे चाहिए था एक सिंगल रूम, मिला नहीं तो यहीं पर बेड लगा दिया। वैसे एक बैचलर रूम ऐसे ही रहता है, आपको भी पता होगा कि मेस और किराया देकर आप कहीं पर रहते हो तो ऐसा ही रहता है, और कभी कभी खाना भी बना लेता हूँ। तो सारा सामान यहाँ पर देखो, गैस ओवन वगैरह है। वैसे आपको बता दूँ ये तो सिंगल रूम है, पर यहीं पर मैं और मेरा भैया लगभग 2 साल से है, एक ही बेड पर यही बेड पर सोते हैं, और उसका HS ख़त्म हुआ हाल ही में, तो फिलहाल अभी घर गया कुछ दिन पहले ही, और यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है, बस एक यही टेबल फ़ैन है जो कि और जगह खा गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह आप देख लो कि बेड और मतलब कि दीवार के आसपास कितना जगह है, इतना ही जगह है, बस एक आदमी खड़ा ही हो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर किचन का बेसमेंट रहता है, और यहाँ पर मेरा जो स्टैंड है, रिंग लाइट है, वो मैं बेड के ऊपर, देख रहे हो, बेड के ऊपर ही यहाँ पर मैंने तीनों को खड़ा करके रखा है, क्योंकि इधर जगह नहीं है ना, कहाँ पर रखूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुक वगैरह है अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब कि सजाया हुआ नहीं है, बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर सारा कुछ है। और इधर बाहर और भी रूम है जहाँ पर मतलब कि स्टूडेंट्स रहते हैं, तो फ़िलहाल के लिए अभी तो इसको बंद कर देता हूँ, कभी और दिखाऊँगा कभी मेरे और वीडियो में अगर आप चाहे तो। तो वैसे यहाँ पर देख रहे हो इस बेड के जो उस पार है ना, बेड के नीचे, तो इस बेड के नीचे दीवार और मतलब इस बेड के एकदम मिडिल में हम खड़े होते हैं हमारा शूट करने के लिए। यहाँ पर दोनों हमारा रिंग लाइट रहते हैं एकदम, देख लो एकदम हमारे सीधा, और मिडिल में रखते हैं हमारा स्टैंड, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो कि कितना जगह है, मैं जहाँ पर खड़ी होती हूँ लगभग 1 या 1.5 हाथ होगा बेड और दीवार के आसपास, यहाँ पर 1 या 1.5 हाथ होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर देख रहे हो ना, इस खाली जगह पे मैं खड़ी होती हूँ और वहाँ पर शूट करती हूँ, और यहाँ पर मेरा रिंग लाइट वगैरह स्टैंड वगैरह रहता है। तो देख रहे हो यहाँ पर एक बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड लगाया है, इसको भी मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, इसको मतलब 350 का आसपास पड़ा था। आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर आप चेक कर लेना। तो गाइज़ यहाँ पर मैं जो सारा कुछ खड़े खड़े स्पीच बोलता हूँ, ठीक है, और जो शॉर्ट्स बनाता हूँ या फिर कुछ सामान मटेरियल्स वगैरह दिखाने हैं आपको, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ उस चीज़ को। यहाँ पर देख सकते हो दीवार पे एक मैंने और एक काला पर्दा खरीद के यहाँ पर चिपका दिया है, ठीक है। और इस बेड पे मैं बैठता हूँ, यहाँ पर कैमरा सेट करता हूँ, और बस इतना सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक देख रहे हो जो सादा एक सोलर है वाइट कलर का, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा है। और वैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तकिया वगिया विनीगार सब कुछ है, मतलब यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा कुछ जो चीज़ है वो यहाँ पर ही रहता है, ठीक है, जगह तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ भी मैंने अनबॉक्सिंग मतलब थोड़ा बहुत करता हूँ उसका बॉक्स अभी भी फ़िलहाल के लिए पड़ा हुआ है इधर। और यहाँ पर गाइज इस बॉक्स में हमने कुछ दिन पहले ही एक केमिस्ट्री किट का अनबॉक्सिंग किया था, तो उसका जो केमिकल्स है, रिएजेंट है, वो मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा हुआ है,
क्योंकि इसको हम कहीं भी नहीं रख सकते, थोड़ा सा मतलब कि समझ सकते हो ना, डेंजरस है, तो इसको मैंने इस बॉक्स में भर्ती करके रखा है। तो बस फिलहाल यही है हमारा रूम, यहाँ पर हम रहते हैं और स्पेस वगैरह आप देख लो, यहाँ पर ही हम खड़े होते हैं जहाँ पर आप देख रहे हो, और सामने एकदम दो हमारा रिंग लाइट, मिडल में एक स्टैंड, और बस शूट करते हैं। तो देखा यार गाइस, यही था हमारा स्टूडियो, बहुत बड़ा था ना, बिल्कुल बहुत ही बड़ा था। तो वैसे हम ऐसे ही करते हैं, हर वक्त ये चेंज करना पड़ता है, जब भी हम मतलब कि एक वीडियो बना लेते हैं तब हमारा लाइट एक जगह पे रखना पड़ता है, हमारा जो स्टैंड है उसको एक जगह पे रखना पड़ता है, क्योंकि बेड पे ऊपर रहते हैं, बेड के ऊपर, तो सोने के वक्त या मतलब कि वीडियो बनाने के बाद हम बैठेंगे ना, बेड पे ही बैठेंगे, बेड पे ही सोएंगे, लेटेंगे, तो उसको तो हटाना पड़ेगा ही, मतलब कि कोई भी कॉन्क्रीट सेटअप नहीं है, आप तो देख ही लिया, मुझे जब हर वक्त मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तब मुझे ये सेटअप करना पड़ता है हर बार, ठीक है। और इसके वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जब वीडियो बनाते हैं ना, तब जो लाइट है ना वो लाइट कभी कभी मतलब फ्लक्चुएट कर जाता है, मतलब कि इस वीडियो में आपको जितना लाइट देखने को मिलेगा आपको कोई और वीडियो पे ऐसा लाइट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर होता ही रहता है, ठीक है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा ऐसे होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने एक स्टिकर चिटा के रखा है, देख रहे हो, यहाँ पर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि गाइस अकेले सब कुछ हैंडल करता हूँ, ठीक है, पीछे कोई नहीं है, कैमरा के पीछे कोई नहीं है, आप जो देख रहे हो वो सब एक स्टैंड के तरीके से मैंने उसको खड़ा करके रखा है, तो यहाँ पर जो भी मैं कुछ कर रही हूँ ना उसको मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा हाइट कितना है, ऊपर कितना ज़्यादा क्रॉप हो रहा है, नीचे कितना है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मेजरमेंट के लिए ये सब मैंने दे के रखा है, ताकि पता चले कि कितना हाइट पे मैं आपको दिख रहा हूँ, फ्रेम रेट कितना है और ऐसे कुछ, ठीक है, तो इसके लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो गाइस बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, आप तो देख ही लिया है कैसा कुछ है और कितना मेहनत करना पड़ता है, वो शायद आप अगर YouTube करोगे और ऐसे कुछ मेरा जो कैटेगरी है ना जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव कलेक्ट करना, हमारा जो अरेंजमेंट्स है उसको करना, स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद शूट करके एडिट करना, ये तो बहुत ही बड़ा मतलब कि एक झंझट का काम है, तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो 3-4 दिन का गैप भी कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दी वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ऐसे कैटेगरी में ज़्यादा जल्दी वीडियोज़ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, डेली ब्लॉगिंग तो नहीं है ना कि हमारे पास एक सेल्फी लेके मतलब सेल्फी कैमरा लेके हम हाथ पे लेके और जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको दिखा दूँ, ऐसा तो नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप तो समझ सकते हो। और वैसे आप यूट्यूब अगर करते हो तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है छोटा सा छोटा वीडियो बनाने के लिए, और पैसे भी बहुत जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, तो खर्च तो हो रहा है, पर आई होप कि वीडियो आपको अच्छे लगते हो, क्योंकि आपके अच्छे लगने पर ही मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये करने में, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद, जय भारत।